वेलकम टू मार्वल फ्यूचर फाइट इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो आगे से एक थोड़ा सा अलग चेंजेस हुआ है वो ये है, गिम्बिनी, मैं अपना बता रहा हूँ। यहाँ पर जो एक डेली 20 बायोमेट्रिक्स का पैक हुआ करता था वो आगे से मैं परचेस नहीं कर पाऊँगा, इसका मुझे बहुत दुख है। और साथ में टोनी स्टार्क पैक जो है वो भी मैं आगे से परचेस नहीं कर पाऊँगा। तो अभी कुल मिला के दोनों पैक्स मैं परचेस नहीं कर सकता, क्योंकि अभी जो पेमेंट प्रोसेस है वो मेरे से टोटली चेंज हो चुकी है और बंद हो चुकी है। तो यहाँ पर जितनी भी मैं मेहनत कर रहा था टोटल वेस्ट हो गई है। तो आगे से ये जो पैक्स है ये मैं परचेस नहीं कर पाऊँगा। और साथ में नॉर्मल प्लेयर की तरह डेली 25 क्रिस्टल कलेक्ट कर करके यूनिफॉर्म्स पैक्स मुझे परचेस करने पड़ेंगे, और ये सब पैक्स मेरे इसमें से बंद हो जाएंगे लगभग। अब क्रिस्टल पैक कब ख़त्म वाला है? 7 दिनों में ख़त्म होने वाला है। अब एक मैं भी एक नॉर्मल प्लेयर की बंदा मतलब नॉर्मल प्लेयर बन चुका हूँ, तो नॉर्मल प्लेयर की तरह सब कुछ प्ले करना पड़ेगा। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओके, तो आज किसका करूँ फाइव टाइम्स? इबोनी माओ का करना मेरे से सही रहेगा या फिर कॉर्वस ग्लाइव का? कॉर्वस ग्लाइव के इसमें फाइव टाइम्स करना, चलो ठीक है, आपको फाइव टाइम्स में करके दिखा दो। शुरू करने से पहले थोड़े एक इन्फॉर्मेशन देख लो, यहाँ पर थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा, हर जगह खतरा है।
चलो 10 CCF मिला। ओके लेवल 19 तो हो गया। अब इसके कम से लेवल में आपको खेल के दिखाता हूँ। 10 सही रहेगा। यहाँ पर कुछ लोगों को क्वेश्चन आ रहा होगा कि ब्लैक वुडो को क्यों लिया मैंने। ब्लैक वुडो को इसलिए लिया, उसके पास एक डॉज रेट है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर, इग्नोर टारगेट डॉज रेट बाय 20%। ये कॉर्वस ग्लाइव का जो डॉज रेट है उसका बहुत ज़्यादा हाई है, तो उसको कम करने के लिए ये कैरेक्टर का थोड़ा सा हमको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। उस वजह से यहाँ पर कॉर्वस का जो है अटैक करने में हमको और ज़्यादा थोड़ी सी मेहनत मिलती है, पावर मिलती है, तो उस वजह से हम लोग वो स्टेज को थोड़ा और ज़्यादा इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर डॉज रेट 20 का जो कैरेक्टर है वो आप एक की जगह पे आप दो ले लेना, दो से ज़्यादा भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हॉका किट बिशप को भी ले सकते हैं, चाहो तो आप सॉन्ग बोर्ड को भी ले सकते हो। और भी बहुत से कैरेक्टर है जिनके पास डॉज रेट है।
फिलहाल तो मुझे स्कारलेट विच की ज़रूरत है, क्योंकि उसके वजह से थोड़ा बहुत अटैक करने का मेरे को मौका मिल जाता है, और जो कॉर्वस ग्लाइव है वो उसको अटैक करने का चांस कम से कम मिलता है। वो माइंड डैमेज होता है, कुछ देर के फ्रीज हो जाता है, नो एनी अटैकिंग, तो उसका मेरे को फ़ायदा उठाना पड़ता है। तो इसलिए मैं स्कारलेट विच को लूँगा यहाँ पर सपोर्ट के लिए। यहाँ पर थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि यहाँ पर जो कॉर्वस ग्लाइव का एक अटैक है कंटिन्यूसली आपका लोकेशन ट्रैक करके आपके पीछे पीछे जो वायलेट करके जो एनर्जी
या अर्थ अटैकिंग है, दो में से कुछ बोलते हैं उसको, तो वो अटैकिंग से थोड़ा बच कर रहना। उसके बाद में कुछ फायर जो कॉर्वस ने फायर डैमेज छोड़ा था, यानी जो स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से आए थे मेरी तरफ, उससे अटैक से भी बच कर रहना। वो एक बार एक दो बार भी लग गया ना तो आपको ब्लेड इफेक्ट, आपका कैरेटर चुटकी ऐसी चुटकी बजाती ही ख़त्म हो जाएगा, तो उससे थोड़ा बच कर रहना। अभी आपने प्ले करते हुए देखा है तो यहाँ पर सोच सकते हो कि कितना हार्ड है लेवल।
बाल बाल बचा।
ओके, तो अभी बात कर लेता हूँ मेरी टीम की। तो यहाँ पर मैंने ऐसी टीम क्यों चूज़ किया बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो अल्सा ब्रूस्टोंग को मैं ले सकता था, लेकिन क्विक सिल्वर को स्टेज 19 में खेलने के लिए मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी और स्लो वर्किंग कर रहा था, तो उस वजह से मुझे क्विक सिल्वर को 45% लीडरशिप वाला कैरेक्टर के साथ यूज़ करना पड़ा। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, पूरे फाइट में आप लगे तो देख सकते हो, वापस से रिपीट करके आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरे को चैलेंजेस कंप्लीट करना पड़ा। उसके बाद में ये एक और एक था, कहा गया और एक मेरी टीम, ये तो थी फर्स्ट टीम। उसके बाद में एक सेकंड नंबर की टीम लिया मैंने, जो मैंने लिया कहा गया अब ये टीम लेने के वजह क्या थी। देखो, वहां पर आपके कॉर्वस ग्लाइव के स्टेज में लेवल 10 पे मुझे ब्लीड इफेक्ट लग रहा था और स्नेयर इफेक्ट लग रहा था, और जो कार्वस ग्लाई का जो अटैक है वहाँ पर एक स्टेज में मैंने पढ़ा था, लेकिन मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया। तो वो जो अटैक है वो लगभग स्पाइडरमैन को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है, तो उस अटैक से बचने के लिए मुझे डेबफ की ज़रूरत थी। तो इसलिए यहाँ पर मैंने वाप्स का इस्तेमाल किया, और यहाँ पर स्पाइडरमैन का जो अटैक है, फिजिकल अटैक है, वो 22,000 के आसपास पड़ रहा है। अटैक स्पीड 130 हो गया है, और क्रिटिकल डैमेज 172, कूलडाउन ड्यूरेशन 50% एकदम मैक्सिमम पे, और डॉज है 75% पे एकदम मैक्सिमम फुल डॉज, और ऑल अटैक का CTP स्पाइडरमैन को देना, स्पाइडरमैन 2099 को देना डॉज वाला CTP। उसके बाद में
यहाँ पर वास्प का सपोर्ट मिल गया, और एंटमैन का जो टायर टू का पैसिव है जो बोनस है यहाँ पर, उसके वजह से मेरे को थोड़ा सा ये तो सेल्फ है, खुद के लिए किसी और को नहीं है देता ये। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो वास्प के मदद से यहाँ पर मैं स्पाइडरमैन के जरिए वो स्टेज क्लियर करने में कामयाब रहा। उसके बाद में थर्ड टीम आई डेडपूल की। अब कुछ लोग का सवाल ऐसा होगा, बहुत ही पेचीदा अजीब सवाल होंगे, भाई तेरे पास तो डेडपूल है, तूने 42 43 उसके आगे क्यों नहीं गया? तो उसके पास मेरे पास रीज़न है, बताता हूँ। एक मिनट, पहले टीम सेट कर लूँ मैं, ये टीम क्यों लिया मैंने बताता हूँ। ये टीम इसलिए क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल अटैक के साथ रिकवरी रेट दे रहा था इसके साथ, पुनिशर के साथ, इसलिए मेरे को पुनिशर को साथ में रखना पड़ा टीम अप के लिए। और डेडपूल में क्या प्रॉब्लम है मैं बताता हूँ। यहाँ पर मैंने एंजल को रखा डिबफ के लिए, यहाँ पर इसका लीडरशिप पे आप टच करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर वेन डिबफ रिमूव ऑल डिबफ्स 12 सेकंड्स के लिए ऑल अलायंस के लिए, तो इसलिए मेरे को एंजल का इस्तेमाल करना पड़ा। अब यहाँ पर देखो, ये मैं हायर लेवल पर क्यों नहीं जा पा रहा, वो रीज़न देखो। अभी यहाँ पर देखो, आप गियर्स देख सकते हो, डेडपूल के 19 है, 16 है, 16 है और 16 है, उस वजह से मैं आगे की स्टेज में नहीं जा पा रहा हूँ, वो मेरा रीज़न है। तो एक बार इसको मैं अगर अच्छे तरीके से अपग्रेड कर लूँ कम्प्लीटली, तो आगे की मैं स्टेजेस की मैं सोचूंगा। लेकिन तब तक के डेडपूल जब तक अपग्रेड नहीं होता, तब तक मुझे नॉर्मली क्विक सिल्वर से करना पड़ेगा, मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और जैसे ही मेरा डेडपूल टायर 3 होगा, मैं सीधा धावा बोलूँगा कॉर्वस ग्लाइव के ऊपर, और मैक्सिमम हायर से हायर स्टेज में आऊँगा। इसके स्किल्स भी काफ़ी पूरी तरह से अपग्रेड नहीं किया मैंने, कुछ कुछ किया है, कुछ कुछ नहीं किया, और टायर 3 का अभी भी बाकी है। मैक्सिमम HP, फियर इफेक्ट, ऑब्लिस भी सही तरीके से नहीं दिया मैंने, मैं तो इसको CT भी देने की सोच रहा हूँ, लेकिन बाद में दूंगा, अभी नहीं। उसके बाद में ये तो हो गई 3 टीम। अब चौथी टीम, चौथी टीम में किसको लिया था मैंने भूल गया। हाँ याद आया, चाहता तो मैं ये टीम भी ले सकता था, लेकिन शुरी को मैं फिलहाल उस स्टेज के लिए मैं सही नहीं समझा, जिसलिए मैं शुरू को लिया नहीं। तो उसके बाद में यहाँ पर बाकी के साथ में रख सकता था फाल्कन, कैप्टन, ये दोनों को भी रख सकता था, जिससे पावर बढ़ जाती और मेरा AT का एज वो ज़्यादा बढ़ जाता। वन थर्टी का अटैक स्पीड, क्रिटिकल डैमेज 200%, स्किल कूल डाउन ड्यूरेशन 50%, एकदम मैक्सिमम पे, तो इसका पूरा फायदा उठा सकता था उस स्टेज में। लेकिन मैं कैप्टन को नहीं लिया, क्योंकि कैप्टन का वहाँ कोई काम नहीं था कॉरस ग्लाइक के स्टेज में। ये टीम भी बेस्ट थी, लेकिन इसके वजह से भी थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो सकती थी फाइट करने में, इसलिए मैंने ब्लैक वुडो को नहीं लिया। ये टीम भी बेस्ट थी, सुपर विलेन टाइप डैमेज मेरे को मिल रहा था वहां पर, वो भी मेरे लिए अच्छा था। अब ये टीम क्यों लिया मैंने, इसके पीछे देखो, यहाँ पर ऑल अटैक ऑल डिफेंस और मैक्सिमम HP दे रहा है, साथ में मैं अटैक स्पीड और क्रिटिकल डैमेज भी बढ़ा रहा है, तो उस वजह से यहाँ पर बाकी का मैक्सिमम देखो आप लोग, यहाँ पर देखिए आपको अभी भी दिखाया मैंने 2 3 बार, अटैक स्पीड, क्रिटिकल डैमेज, कूल डाउन ड्यूरेशन और फिजिकल अटैक यहाँ पर बढ़ गया है। कैप्टन के साथ थोड़ा सा 1000 ज़्यादा दे रहा था, लेकिन वॉर मशीन का थोड़ा सपोर्ट के साथ मैं एक स्टिच कर पाया। अगर कोई गड़बड़ हो जाती तो वार मशीन का थोड़ा मैं सपोर्ट ले सकता था वहाँ पर अटैक करने के लिए। फाल्कन का भी ले सकता हूँ, लेकिन फाल्कन उतना पावरफुल है ही नहीं, मेरा नॉर्मल कैरेक्टर है, कुछ ज़्यादा खास है ही नहीं, तो इसलिए मैंने फाल्कन का ज़्यादा यूज़ नहीं किया, डॉच करने के लिए, बचने के लिए ले लिया। उसके बाद लास्ट चौथी टीम। अब आप कुछ लोग बोलेंगे कि मैं तो ब्लैक वीडियो भी ले सकता था अटैक करने के लिए, लेकिन ब्लैक वीडियो उतनी खास, मैंने इसके पहले भी स्टेज में ट्राई किया ब्लैक वीडियो को, लेकिन उतनी खास वो कुछ काम कर नहीं रही थी उस स्टेज में, तो इसमें मैंने इसको नहीं लिया।
और सब ब्लूस्टोन भी ले सकता था मैं टीम अटैक के लिए। 30% इंक्रीज ऑल अटैक। फोर्टी 45% इंक्रीज फिजिकल अटैक। सॉरी वो फिजिकल अटैक ही था, मैंने इसको गलती से ऑल अटैक बोल दिया सॉरी। अगर मैं केट बिशप के इसमें जाता हूँ तो इसका फिजिकल अटैक है 14728, लेकिन जिस तरीके से ये अटैक कर रही थी और जिस तरीके से कॉर्वस ग्लाइव की एचपी कम हो रही थी वो कमाल की देखने लायक थी, इसलिए मैं केट बिशप पे ज़्यादा भरोसा करता हूँ। ये मतलब इसके अंदर थोड़ा और इंप्रूवमेंट हो जाए, इसका अगर कोई यूनिफॉर्म आ जाए या इसको टायर 3 मिल जाए तो ये कॉर्वस ग्लाइव की बैंड बजा के रख सकती है, इतना मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। गारंटी क्रिटिकल रेट बाय सेल्फ है इसके पास, क्रिटिकल डैमेज बाय 20%, उसके बाद है इंक्रीज गारंटी क्रिटिकल रेट बाय 20%, इंक्रीज गारंटी डॉज रेट बाय 30%, स्टन इम्यूनिटी, फिजिकल डैमेज, स्टन इम्यूनिटी, उसके बाद में डॉज रेट बाय 35%, इग्नोर डॉज रेट, सेल्फ। ब्लीड डैमेज एवरी 1 सेकंड 5 सेकंड्स के लिए, उसके बाद इंक्रीज ऑल स्पीड 20 सेकंड्स के लिए, 10 सेकंड्स के लिए 20%, 10 सेकंड्स के लिए, बाकी के बाद में आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पे। तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा भरोसा करता हूँ केट बिशप पे, क्योंकि वो अच्छी कैरेक्टर है, अगर उसको थोड़ा सा और ज़्यादा पावर मिल जाए ना तो वो कॉर्वस ग्लाइव की बैंड बजा सकती है, इतना तो मैं कह ही सकता हूँ। और मेरे पास बहुत से ऐसे कैरेक्टर थे जो काफ़ी थे, लेकिन एंटमैन भी कैरेक्टर था, लेकिन मैं एंटमैन को उतना भरोसा नहीं करता। स्टार्टिंग में जब शुरुआत में जब मैंने गेम स्टार्ट किया था तो मैं एंटमैन के जरिए थैनोस को वगैरह स्टेज क्लियर किया था, मैंने कॉर्वस का किया था, प्रॉक्सिमा का किया था, लेकिन अभी के जो वर्ल्ड बॉस है उसमें एंटमैन का परफॉर्मेंस उतना खास नहीं है, वरना एंटमैन भी बहुत अच्छा कैरेक्टर हो सकता था कॉर्वस ग्लाइव के स्टेज में, बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर हो सकता था अगर अच्छा इम्प्रूवमेंट हो जाए तो। तो ये थी मेरी बेस्ट 5 टीम्स कॉर्वस ग्लाइव के अगेंस्ट में, जैसे तैसे किया मैंने और जो भी मेरे से हो सका मैंने उतना सपोर्ट करने की पूरी कोशिश किया। ये टीम भी ले सकता था, ये टीम लिया मैंने, और इसका जो शूरी का था सुपर विलन टाइप डैमेज, इसका मेरे को पूरा फायदा उठा, डिक्रेस डैमेज सुपर विलन टाइप 35%, उसके बाद में सुपर विलन टाइप 45%, तो इसका दोनों का फायदा मैंने उठाया वहाँ पर स्टेज में। हाँ थोड़ी सी दिक्कत हुई लड़ने में, क्योंकि मेरा ध्यान जो है वो दूसरी तरफ चला गया था, तो थोड़ा सा वहाँ पर डिफेक्ट हो गई, छुरी मारी गई। स्किल कूलडाउन ड्यूरेशन है 49%, उसके बाद में यहाँ पर क्रिटिकल डैमेज है 178, अटैक स्पीड है 126, फिजिकल अटैक 14728, वेवेक्ट है, रिकवरी रेट है, और एक नीचे में ग्रीन कलर का स्टेट है जो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ। 20% रिकवरी ऑफ मैक्सिमम एचपी 15 सेकंड का कूलडाउन ड्यूरेशन, जब इसकी एचपी 50% के आसपास होगी तब ये रिकवर करेगा, यानी जो केट हॉका केट बिशॉप है ये रिकवर करेगी। और उड़ती हुई खबर मिली है कि एवेंजर्स 4 में केट बिशॉप का दिखना पॉसिबल है, कुछ ऐसे फैंस थ्योरी निकल गई कि केट बिशप दिखेंगी एवेंजर्स 4 में, तो हो सकता है कि इसका यूनिफॉर्म या इसको टायर 3 मिलने का चांसेस हो जाए अगले साल, तो देखते भी क्या होता है। वैसे मैंने इसको तो रेडी कर रखा है फाइट के लिए, तो प्लीज़ लगे चले सब्सक्राइब एंड थैंक यू।